ये तो रही किताब की भाषा, है ना, ये किताब की भाषा रही। हम अपनी भाषा पढ़ते हैं कि क्या कहा था आर्किमिडीज ने, और इस पे कई बार सवाल आया हुआ है। गाइज मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कितने लोग को मेरी आवाज आ रही है और कितने लोग को नहीं आ रही है? रही है सर। तो बोल नहीं रहे हो तुम लोग, जैसे सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे लग रहा है क्या ही मामला चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल, और ये हमारा फ्री क्रैश कोर्स है बीएससी के लिए, ठीक है, और देखते हैं हम इसमें कहाँ तक कंप्लीट करवा पाते हैं। तो आइए हम आज, इससे पहले मैंने लिक्विड के दो सेशन ले चुका हूँ और वो यूट्यूब पे लिया था, ठीक है, तो आप इस थर्ड सेशन को ज्वाइन करिए, छोटे छोटे सेशन है, आपका आराम से इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और कुछ डायनामिक लॉ जैसे बर्नौलीज थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एटसेट्रा, टॉर्सेली थ्योरम, इन सबको हम देखेंगे इस सेशन में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ध्यान से सुनो, आर्किमिडीज ने क्या किया था? आर्किमिडीज ने बोला था कि अगर कोई लिक्विड रेस्ट पे है, कैसा है बुशरा? अरे रेस्पी बोलो, रेस्ट पे। तो अगर हम इस पे क्या डुबाते हैं, अगर हम इसमें कोई ब्लॉक डुबाते हैं, क्या डुबाते हैं, कोई किसी ब्लॉक को डुबाते हैं, ठीक है, अब चाहे पार्शियली डुबाए या फुली डुबाए, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। जब हम इसमें किसी चीज को डुबाते हैं तो उसके उसके उस पे एक फोर्स लगने लगता है ऊपर की तरफ, जिसको नाम दिया गया है क्या, बायंट फोर्स। क्या नाम दे दिया गया है? बायंट फोर्स। बोलो मेरे साथ भाई, क्या नाम दिया गया? फोर्स। अब जो बायंट फोर्स होता है किसके बराबर होता है, तो जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा, वेट ऑफ फ्लूड, जितना वेट का पानी ये डिस्प्लेस करेगा उसके बराबर होगा। सिंपल सा बात है, बायंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जितने भार का पानी ये बॉडी डिस्प्लेस करेगा। अब तुम ही बताओ यार, तुम अगर मान लो इसमें लबालब पानी भर दो, इसमें लबालब पानी भर दो, अब मान लो तुमने इस पे क्या करा ना कि लोहे का घुटका तुम डालोगे, अब ये पानी पूरा फुल है, तो पानी नीचे गिर जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना? तो इसके ऊपर हाँ की सर। तरफ जो बायंट फोर्स लग रहा है ना, जो बायंसी लग रही है, जितना तुम्हारा पानी नीचे गिरा है ना, उसी के वेट के बराबर बायंसी लग रही है। और यही एग्जैक्टली यही एक्सपेरिमेंट आर्किमिडीज ने भी करा था। ये बात समझ में आई? यस सर। बोलो यार, बस एक ही लड़की बोल रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और अपने बैच के बच्चे कहाँ हैं भाई? अपने बैच के बच्चे मतलब क्या कर रहे हैं अपने बैच वाले? कोई है ही नहीं क्लास में, एक रिजवान है, एक बुशरा है, एक अरुण है। अरुण भाई कोई दिक्कत है क्या आपको? आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आलोक सो रहे हैं, क्या ही मसला है यार, मतलब गधेड़े हैं आधे के आधे, आराम से ही लोग सो रहे हैं। गुड इवनिंग अरुण। अरे भाई शर्मा कहाँ रहे हो यार, तुम तो लड़के हो, लड़की होगी शर्मा रहे हो। सर मैं क्या शर्माऊंगा अरे कशिश आ गई है, देखो ये अच्छी लड़की है, देखो आ गई सर। अच्छी लड़की है सर ये। कशिश ना। अरे भाई बड़ी बहुत अच्छी लड़की है, पूरा देवी है, देवी है ना, देखते देवी हो इसको किसी प्रसाद। दिन? अरे तुम आज तक इसको क्लास अब्सेंट करते हुए देखे हो एक भी बार? बताओ हाँ सर एक भी जी दिन। देखो जो बच्चे रेगुलर रहते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, सर भले मैं वो अब्सेंट करती हूँ सर। नहीं, हम मतलब भी तुम नहीं डेली करती अटेंड हो, करते हैं लेकिन सर। मतलब उधर तुम कुछ दिन नहीं आई थी ना जब एग्जाम देने गई थी। हाँ सर और मैं अरुण तुम भी ठीक हो? हाँ तुम भी ठीक हाँ हो, सर तुम भी अब्सेंट नहीं करते हो। देखो जो बच्चे रेगुलर रहते हैं वो धीरे धीरे जरूर खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं। अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या में क्या बोला गया था कि अगर कोई लिक्विड क्या है रेस्ट पे है, और अगर हम उस पे कोई ब्लॉक डुबा रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या लगने लगेगा, एक बायंट एक फोर्स लगने लगेगा, जिसको नाम दिया गया बायंट फोर्स। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा,
ये डूबने नहीं देना चाहेगा, ये इसको ऊपर उठाना चाहेगा, है ना। अरे देखो ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के नीचे ब्लॉक को ऊपर की तरफ कौन उठा रहा है? बायंसी उठा रही है। अरे नहीं उठा रही है, बायंट फोर्स नहीं उठा हाँ रहा है। सर, और यस इसकी जो सर, हाँ वैल्यू सर, होती सर, है, जो इसकी वैल्यू होती है, कितना इसने हाँ वाटर सर, डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर होता है। दिस इज द आर्कमेडीज प्रिंसिपल, सिंपल। और अगर हम वायंट फोर्स ठीक का है सर, फॉर्मूला जब हम डिराइव कर रहे थे, तो वायंट फोर्स निकला था वी रो जी। वायंट फोर्स क्या निकला था? वायंट फोर्स क्या निकला था? वी रो वी जी, रो जी, जिसमें वी क्या था? इमर्ज वॉल्यूम था। इमर्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। रो क्या था? रो क्या था? डेंसिटी किसकी डेंसिटी ऑफ डेंसिटी? वाटर। डेंसिटी जिसमें हम उसको डुबा रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है? अरे देखो भाई, अरे फ्रेंड्स डेंसिटी क्या था? जिस लिक्विड में आप उसको डुबा रहे हैं, जिस लिक्विड में आप उसको डुबा रहे हैं, उसकी डेंसिटी थी। कई लोग सोच लेते हैं डेंसिटी उसकी है, बॉडी की डेंसिटी है। ना ना ना, ये क्या है? किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है। और जी क्या है? जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8। ठीक है, अब इसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब थ्रस्ट भी उसी को कहते हैं, बायंसी भी उसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना। हाँ सर, अब देखना ध्यान से, अब कई बार हमें कंफ्यूज करता है, और उसको हम देखेंगे अभी यहाँ पे। उस एक एक पहले बाहर के बच्चे कौन कौन हैं जो आज पहली बार आए हैं? एक है जिनार पहली भाई, बार जिनार भाई दिन में थे, और एमडी रिजवान, अनात्मा, अरशद। हाँ भाई अनात्मा, सिर्फ दो ही बच्चे हैं, बाकी तो अपने ही बच्चे हैं। दो ही बच्चे लग रहे हैं जग रहे हैं। कौन है ये? जिनार। हाँ भाई जिनार, समझ में आ रहा है? अनात्मा, अरशद यस सर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, कि अब थ्रस्ट फोर्स जो होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ बॉडी सच दैट इट मास, साइज, डेंसिटी। समझ में आ रहा है? सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूड। फ्लूड के अंदर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही भाई? किसको स्क्रीन नहीं दिख रही? बुशरा जी को। लो सर इसके ये लिख कहाँ रहा है वो नहीं दिख रही है। पॉइंट तुम्हारा लैग कर रहा है। पॉइंटर नहीं दिख रहा सर आपका। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है कर्सर? सर हमें तो दिख ही रहा है। अच्छा अब देखो। अरे नहीं, उसके एरिया में लोग लग रहा है लोग ज्यादा ही नेट यूज कर रहे हैं। ठीक है और वैसे भी रात के मामले में तो लोग ज्यादा ही यूज करते हैं, है कि नहीं? पेपर आउट कराना है सर। पेपर आउट कराना है ना। अच्छा कौन ग्रुप पे हाँ पेपर सर, आउट करवा रहा था? कहाँ गई हो? डायरेक्टर्स नहीं आई क्या? कहाँ नहीं है डायरेक्टर्स? नहीं है? नहीं, वो स्विस बैंक में चोरी करवाने के लिए कह रही थी। अरे भाई मतलब क्या लगता है उसके लिए कोई स्विस बैंक में चोरी करने जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है यार है कि नहीं? मतलब वैसा माहौल भी तो होना चाहिए ना यार। मतलब इंसान इतना सर, बड़ा रिस्क तभी ले सकता है ना जब उतना बड़ा जब रिस्क सामने। लेने वाला मामला हो, है कि नहीं? हाँ सर, मुझे तो नहीं लगता। अब खैर छोड़ो, अभी आएगी तो सर खा जाएगी। चलो पढ़ते हैं। अब देखो, अब थ्रस्ट रिकॉर्डिंग हो रहा था क्या? इसे नहीं डालूंगा। चलो पढ़ते हैं। अब थ्रस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ बॉडी सच एज इट मास, साइज एंड डेंसिटी। देखो अब थ्रस्ट फोर्स, देखो मान लो एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, हाँ मान सर, लो सेम लेवल तक डूबा हुआ है, और एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा है सेम लेवल तक, वो भी डूबा हुआ है। मतलब उन दोनों की वॉल्यूम, जो डूबा हुआ वॉल्यूम अगर सेम है, तो दोनों पे अब थ्रस्ट सेम लगेगा। ये बात ध्यान में रखना, दोनों पे अब थ्रस्ट सेम लगेगा। इवन अगर इनकी डेंसिटी भी अलग अलग हो जाए, और अगर डूबा हुआ वॉल्यूम सेम है, तो अब थ्रस्ट फोर्स क्या लगेगा? सेम लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी अब थ्रस्ट सर फोर्स सिर्फ अब थ्रस्ट फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ डूबे हुए वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। और रोजी तो दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि रो तो लिक्विड का है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात, अब थ्रस्ट फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। आपकी बॉडी जिसको आप पानी में डाले हैं, उसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, इस पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई
of thrust on fully submerged bodies more in sea water than in fresh water because the density is more than fresh water. ठीक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है. तो हमें समुद्र क्या करता है, सी हमारे ऊपर ज्यादा थ्रस्ट लगाता है. अरे तुम्हें पता है ना समुद्र में तैरना आसान है. अरे बोलो भाई, कितने लोग मानते हैं कि हाँ सर समुद्र में तैरना आसान है. समुद्र में सर हाँ तैरना आसान है, मतलब मैं तैरना लहर आसान वहर है. की बात नहीं कर रहा. नहीं लहर वगैरह की बात नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल अगर मान लो स्टिल वाटर है समुद्र में और स्टिल वाटर है रिवर में, तो किसमें तुम इजिली तैर सकते हो. दिनार सर भाई हाथ खड़े किए हैं, समुद्र में बताइए क्या दिक्कत है. समुद्र में तैर सकता हूँ, क्यों तैर सकता हूँ, क्योंकि वो समुद्र पहले के ही पानी, किया था. अच्छा पहले का ही किया था, क्योंकि समुद्र के पानी का डेंसिटी ज्यादा है. हाँ सर समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो तुम्हें अपथ्रस्ट ज्यादा देगा. अपथ्रस्ट मतलब नीचे से फोर्स ज्यादा लगाएगा, वो तुम्हें ऊपर उठाए रखने की ज्यादा कोशिश करेगा. समझ में आ रहा है? ज्यादा कोशिश. ठीक तो फिर तुम उस पे इजीली तैर पाओगे. अरे डेड सी का नाम सुना है तुमने? डेड सी, मृत सागर, उसमें लोग डूबते ही नहीं है. अरे डूबते ही नहीं है, नहीं उसके पीछे डूब का भी लॉजिक यही है. नहीं नहीं सर. डूबोगे फिर उसमें. मृत सागर नाम क्या है सर फिर उसका? अरे जो भी हो, उसमें किसी की मृत्यु नहीं होती डूब के. ठीक ठीक है सर. है, अब अगला अगला पढ़ते हैं. अपेरेंट वेट. अब देखो, अब तुम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. अपेरेंट वेट पे बहुत क्वेश्चन आता है. अपेरेंट वेट, जैसे सपोज दैट, एक बार चार्ज वाला क्वेश्चन मैंने कराया था. आई थिंक तुम्हें याद होगा कि मैंने दो चार्ज थे ऐसे ऐसे, और जब उनको लिक्विड में डाल दिया था तो तुमसे पूछा गया था कि अब बताइए टेंशन कितना होगा और इनके बीच का एंगल कितना होगा. ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था. तो वहां पे मैंने बायंसी का जिक्र यस सर. किया था, बायंसी का जिक्र किया था. बोला था कि बायंसी की वजह से जो फोर्स है ना, बायंसी की वजह से जो वेट है हमारा घट जाता है. अब देखो कैसे घट जाता है, मैं तुम्हें बताता हूँ. तुम्हारा मान लो एक गुटखा था, एक ब्लॉक था, इसका मास कितना था? mg. एक किधर लग रहा था? नीचे लग रहा था, हाँ या ना? अरे बोलो बच्चा. हाँ यस सर. सर. और इसके ऊपर क्या लग रहा था? बायंसी लग रहा था, वी बायंसी रो जी लग रहा था. तो अगर इस पे अब नेट वेट पूछा जाए, नेट वेट पूछा जाए, इस पे नेट फोर्स पूछा जाए, जो नेट फोर्स होगा वही तो नेट वेट होगा. तो क्या होगा? हाँ सर. mg माइनस वी रो जी, mg माइनस वी रो जी. कितने लोग इस बात से सहमत है कि ठीक है गुरुजी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यस सर. अरे देखो अपेरेंट वेट क्या होता है, पूछेगा कि कितना वेट महसूस हो रहा है, अपेरेंट हो रहा है, तो इसका एक्चुअल वेट क्या है, मैं उसमें से अब थ्रस्ट घटा दो. एक्चुअल वेट माइनस अब थ्रस्ट घटा दो. तो अब देखो तुम ध्यान से, मैं जो आगे का करने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल है. एफ नेट बराबर एम जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम को एम बराबर क्या लिख सकते हो? रो भी लिख सकते हो, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो. अभी डेंसिटी किसका है? अरे ब्लॉक का डेंसिटी है ना ये. ब्लॉक का मास बराबर ब्लॉक का वॉल्यूम माइनस ब्लॉक का, सॉरी ब्लॉक का वॉल्यूम इनटू ब्लॉक का डेंसिटी. इसको सिग्मा से, सिग्मा मटेरियल ले लो, ठीक है, मटेरियल का सिग्मा. तो एफ नेट को क्या लिख सकते हो? सिग्मा इनटू वी, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो जनाब. आई इंटू जी माइनस इधर क्या था? वी रो जी. तो आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, उसको कॉमन कर लीजिए, सिग्मा वी को कॉमन कर लीजिए, सिग्मा और जी को कॉमन कर लीजिए, और वी तो कॉमन हो ही जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस वी जी कॉमन है, रो अपॉन सिग्मा. ठीक है, अब सिग्मा वी जी को क्या लिख सकते हैं? एम जी लिख सकते हैं. तो ये हो गया एम जी वन माइनस रो अपॉन सिग्मा, हाँ या ना? कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? सर सिग्मा ब्लॉक की डेंसिटी होगी ना? हाँ तो मैंने लिखा तो है मटेरियल यस. एम सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, कंफ्यूज मत होना यार. नहीं समझ में आ रहा है गाइस, कौन कौन है? बस छह बच्चे बचे हैं, बताओ. छह बच्चे के लिए मैं रात हाँ भर सर गया सर, मेहनत आ कर रहा. रहा हूँ. अरुण जिनार, एम डी हाँ आ रहा रिजवान, है सर. बुशरा अनामता. ठीक है, ये चली गई क्या बुशरा गलीम? साबिया चली गई, सॉरी. नो सर, ओके गुड, ठीक है. गलती से आ तो गई आई थी थिंक सर.
गलती से आ गई थी ना, मुझे भी लगा, बस ये बता के चली गई कि सर तबीयत सही नहीं है। चलो भाई, तो ये समझ में आई थिंक तुमको आ गया होगा कि अपेरेंट वेट कितना होता है। ठीक है, हाँ सर, अपेरेंट वेट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब तुम मुझे एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। अच्छा, एक टर्म मैंने बताना छोड़ दिया था, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, हाँ सर कॉल पे है सर। अरे बीएससी वाला जो आज बनाया था ना, उस पे चल रहा है, अभी लिंक भेजा था। डायरेक्टर सर अरे नहीं, अभी अभी हेलो गाइस, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर डायरेक्टर आ सर रही सर। ओके, एक मिनट रुकना। अरे पता नहीं, वो मतलब एक से एक पागल हैं सब यहाँ। अच्छा, तुम लोग को पता नहीं चल रहा है क्या कि कौन से बैच में क्लास चल रहा है? गाइस सर टीचमेंट आया, ऑन करने में समझ आ ही रहा है सर, ज्वाइन नाउ कर दो। अगर हाँ, नहीं वैसे भी समझ ग्रीन आ रहा दिखा है देता तो, है, नहीं तो नहीं ग्रुप ग्रीन ऑफ दिखाने कर लगता लो। है, मेरे ख्याल से तो ग्रीन दिखाने लगता है। हाँ सर, कौन से हाँ में चल रहा है सर, सर? ग्रीन दिखता है। ग्रीन दिखाने लगता है ना। चलो मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ। उसने बोला कि सर हमको पता ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही सब ग्रुप सर पे क्या करते हैं कि लैपटॉप ऑफ, ओ सॉरी, ऐसे देखता हूँ बच्चे ग्रुप पे क्या करेंगे कि आराम से इंजॉय करेंगे, मैं नहीं रहता हूँ तो। और जब मैं कोई काम का लिंक वगैरह भेजता हूँ या नोटिस वगैरह भेजता हूँ तो कहते हैं सर हमको पता ही नहीं चला था। गजब ही मामला है। ऐसे ग्रुप पे टहलते रहो और जब टीचर कुछ काम का भेजे तो नहीं सर हमें पता ही नहीं चला था। तो अरे भाई, ग्रुप किस लिए बनाया गया था कि सिर्फ तुम अपनी बातें करो, हमारी सुनो ही ना। अजीब माहौल है भाई। चलो अभी सवाल देखो, आपने सर रिलेटिव डेंसिटी क्या वही होता है? भी, हाँ सर रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। रिस्पेक्ट में डेंसिटी, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर होगा डेंसिटी जिसकी भी आपको, जो भी मटेरियल है आपके पास, डेंसिटी ऑफ मटेरियल और किसके रिस्पेक्ट में, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। या फिर अगर किसी मीडियम में डाल रहे हैं तो मीडियम। सिंपल। तो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, आई थिंक तुम लोग कर सकते हो। कोई कर सकता है? मैं पोल करा दूं। मैं पोल करा दूं, करना चाहोगे? ट्राई करोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? अरे भाई बताओ, करना चाहोगे? मैं करा दूं? शुरू करा दीजिए। सर और ठीक है, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन। जिसने बोला करा दीजिए क्वेश्चन, पढ़ो। सिल्वर इंजॉट वेटिंग 2.1 kg इज हेल्ड बाय स्ट्रिंग सो एज टू कम्प्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन केजी व्हाट इज? अच्छा, अब तुम ध्यान से सुनना। अगर तुम इसको फ्री में लटकाते है ना, अगर इसको फ्री स्पेस में लटकाते तो जो इस पे वेट लगता, वेट लगता एम जी, वही टेंशन हो जाता। हाँ या ना? यस सर, लेकिन अब देखो क्या पूछना चाह रहा है कि अब भैया हम इसको ऐसे नहीं लटका रहे हैं, हम इसको पानी में डाले हुए हैं पूरा का पूरा। तो अब बताओ टेंशन क्या लगेगा, टेंशन कितना लगेगा? टेंशन बराबर क्या लगेगा? नीचे कितना लग रहा है? एम जी लग रहा है। जी ऊपर कितना, ऊपर कितना ऊपर लग रहा है? अब थ्रस्ट वीरो लग रहा जी है। हाँ, तो एम जी माइनस वी रो जी, ये लगेगा। निकाल लो। अब कैसे निकालना है? ओके सिंपल है, सिंपल है। अभी तुमने देखा था, इसको निकाला था तो तुमने निकाला था तो आया था एम जी इंटू वन माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। अपॉन आया था ना ऐसा कुछ फॉर्मूला? बस यही तो यस टेंशन सर, होगा, बस इस फॉर्मूले में रखो, आंसर आ गया। जल्दी करो, कोई ओके आंसर सर, बताए, मैं पोल करा दूंगा उसके बाद। आंसर कोई बताएगा नहीं, सब लोग करके बैठ जाओ, फिर बताना, मैं पोल करा दूंगा। नहीं तो कई लोग आंसर ठीक है कॉपी कर सर। लेंगे, है ना? कौन कौन आंसर कॉपी करता है बताओ। मैं सर
अजब अजब बातें हैं। वो तेरी। अच्छा और भी अपने साथ कोई पढ़ता था क्या जो क्लास में नहीं आ पाया है? सर सफीक, सफी कहाँ जाता है भाई? अच्छा वैसे सर आया था वो इस क्लास, उसको इस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है। वैसे तो कल से इनकी क्लास यूट्यूब पे ही रहेगी, बट फिर भी ये लोग टच में रहेंगे, और अगर कभी सर, लाइट मेरा तो चली गई तो नाइनटीन अपन लोग यहीं पे हैं। पॉइंट फाइव है, 19.5 19.53। ओके। और किसी और का आ रहा है? सबने आंसर निकाल लिया? मैं पोल करा दूं? यस सर, पोल करा दीजिए। हाँ चाह गई क्या तुम? सर, हाँ भाई पता नहीं आप इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे रहते हैं। इसमें कैसा कंफ्यूजन, तुम्हें पता है कि जिसका बटन ग्रीन दिख जाए वही वाली क्लास चल रही है। सिंपल सा लॉजिक है, मैं पहले भी सिखा चुका नहीं हूँ। सर, इसका ग्रीन नहीं दिखा सर, मतलब अंदर जाके ग्रीन दिख रहा है, बाहर नहीं अरे दिख रहा ना, तो क्योंकि हाँ, सर ये तो नोटिफिकेशन शेड्यूल सेट नहीं है। आता। अच्छा शेड्यूल सेट नहीं है। एक्चुअली मैं इसे अचानक से बनाया, मेरा वैसे कोई मूड नहीं था इसे क्रिएट करने का, पर जब लाइट चला गया ना तो मैं सोचा इन लोग का कंप्लीट करा देता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्रिएट करा इसे। हाँ सर कराइए, पोल कराइए सर। पोल कराऊँ? एक मिनट रुक जाओ, कहाँ चला गया यार, मैं कहाँ गया? हम लोग आर्किमिडीज पढ़ रहे हैं ना। हेलो, आओ पोल कराते हैं। तीस सेकेंड का है, जल्दी से आंसर सब लोग देना, सबके स्क्रीन पे आएगा। दो एक स्टार्ट। 30 सेकेंड में पोल खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। बस तीन लोग आंसर दिए हैं अब तक। अरुण, हाँ भाई देख लो ऑप्शन, देख लो अरुण ऑप्शन, देख लो जिसे ऑप्शन देखना है ऑप्शन देख ले, ऑप्शन जिसे देखना है देख ले। पहला ऑप्शन है 1.6, दूसरा ऑप्शन है 1.94, तीसरा ऑप्शन है 3.1, चौथा ऑप्शन है 5.25। जल्दी से पोल में आंसर दो, ठीक है, देखता हूँ कितने लोग का आंसर आ रहा है। हाँ सर, आ गया क्या? बस चार लोगों ने आंसर सर दिया 7 लोगों में से। हाँ भाई, कशिश, अली नकवी, अनामता अरशाद, क्या दिक्कत है भाई? आंसर तुम लोगों ने क्यों नहीं सर, दिया? समझ ही नहीं आया कैसे आंसर देना है, कहाँ देना है। सर अरे मेरा स्क्रीन ऑप्शन पे कौन सा लग गया सर? तुम्हारा सही तो है, लगा तो है सही। हाँ भाई, सही है सर। स्क्रीन, इन लोग की स्क्रीन पे आ नहीं रहे क्या ऑप्शन? सर मेरे पर तो कुछ नहीं आया अच्छा, सर, और भाई अपडेट नहीं किस होगा कित ना? अपडेट कर लो, जाओ प्ले स्टोर पे जल्दी से अपडेट कर लो। जितने लोग के स्क्रीन पे ऑप्शन नहीं आया था वो लोग फटाक से अपडेट कर लें, ठीक है? देखो इन चारों बच्चों ने सही आंसर दिया था, जिन बच्चों के स्क्रीन पे नाम दिख रहे थे, ठीक है? अभी अगले क्वेश्चन में जब पोल कराऊंगा तो पक्का आंसर देना। अब इसको कैसे करेंगे गाइज? डेंसिटी ऑफ मीडियम कितना है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ए है 0.8, और ये कितना है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर ए है 10.5। इसको जरा करना यार, तो ये क्या हो जाएगा गाइस? बोलो गाइस कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करो ना। ए हो जाएगा 8/105, इसको रख दो 10, ये हो गया 10, रख दो यार इसको 5 को हटाओ, हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.08, 0.08, तो ये 2 के करीब में आएगा। देखो ये 0.0 हो गया, तो 0.08 में से 2.8, 2.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 में से, ठीक है? ये कितने से? 2.1 में दो, एक में से 0.08 घट गया, इसको तुम मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा गाइस? कुछ करके बताओगे? मेरे को कैलकुलेटर से यूज कर लेता हूँ मैं। देखो मैं फार्मूला एक बार फिर से लिखता हूँ, सिंपल सा देखो लिखना है। एम एम बराबर क्या लिखना है? 2.1 इंटू 1 माइनस
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, तो रिलेटिव किसमें डाला जा रहा है, किसमें डाला जा रहा है इसको, रिलेटिव डेंसिटी इस लिक्विड में डाला जा रहा है 0.8 में, और इसका जो डेंसिटी है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इतना 18.5 × g, इसको सॉल्व कर लो, पक्का आएगा 1.94, ठीक है, ये सर आता है। आ रहा है ना 1.94, किसी को डाउट है क्या? नहीं, अगला चलो, मेरी कैलकुलेशन वैसे कमजोर है, ठीक है। अब देखो कोई चीज कब फ्लोट करती है कब फ्लोट नहीं करती है। अच्छा इस पे एक सवाल आया था, पता है एएमयू में आया था, मैं तुम्हें करवा देता हूँ, लेकिन मेरा तो चल ही नहीं रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेजेगा क्या मेरे? नहीं खुल गया भाई, आ जाओ जाओ, एक मिनट रुको। ओहो, कहाँ गया भाई? मैंने क्वेश्चन भेजा था ना, क्वेश्चन बैंक सेंड नहीं किया था, फ्लूड मैकेनिक्स यही है। ये वाला क्वेश्चन करके बताना, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, मैं बड़ा कर दूं क्या? अरे भाई समझ में आ रहा है? ऑप्शन ऑप्शन डी। कैसे भाई, डी एल्युमिनियम का वेट कैसे ज्यादा हो गया? डी पोल कराता हूँ, पोल कराता हूँ। पोल कराता हूँ, देखता हूँ कितने लोग सही आंसर देते हैं। ठीक है पोल कराओ, इस पोल को हटाओ। हाँ सारे लोग क्या कर, क्वेश्चन। 30 30, हाँ लोकेशन देख लो, 3 2 1 पोल स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पे आएगा ऑप्शन, उस पे आप क्लिक करके मुझे बताइएगा कि विच आंसर इज करेक्ट। सॉरी सर, सी होगा सर, मैं वेट नहीं देखी थी, इक्वल वेट है। अच्छा जी हो गया होगा, 3 सेकेंड बस। एक एक ने सही आंसर दिया है, डायलेक्टस ने, ठीक है, बाकी लोगों ने आंसर ही नहीं दिया। अच्छा छह हम दिए पांच थे और बस लोग थे, गलत हो पांच गया। और लोग थे जिन्होंने आंसर दिया था, बाकी तो इन लोगों ने आंसर ही नहीं दिया, अरुण अली अनश। हाँ भाई क्या दिक्कत चल रहा है तुम दोनों, तुम तीनों का? अरुण तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अच्छा चलो ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन को देने का मेरा पर्पज यही था। देखो अब तुम एक बताओ, जैसे डायरेक्टर्स ने बोला कि सर इन दोनों का वेट जो है ना समान है, क्या है वेट इन दोनों का, क्या है? सर सेम है। मैं बोली सर मेरा गलत हो गया आंसर, मैं हाफ वेट पे बना दी थी, इक्वल है वो। हेलो सर, अच्छा इसमें क्या बोला है कि जब इन दोनों को, ध्यान से सुनना, जब कंप्लीटली इन दोनों को पानी में डुबा दिया जाता है तो क्या हो जाता है?
two solid pieces, one of steel and one of aluminium, when immerged completely in water, have equal weight. तो इनका जो apparent weight हो जाता है ना, क्या हो जाता है? Equal हो जाता है. हाँ या ना? अरे बोलो यार. Yes sir. अब बोला जा रहा है कि when solid pieces are, जब ये हवा में थे, तो यहाँ पूछा जा रहा है जब हवा में थे तो कौन भारी था और कौन हल्का था. तो यार तुम देखो, अब इसके लिए अपेरेंट वेट का फॉर्मूला लिखना जरा, इसके लिए अपेरेंट वेट का फॉर्मूला लिखना. अपेरेंट वेट क्या होता है? mg into 1 minus rho of medium upon, यहाँ इसका हो जाएगा rho of steel. हाँ या ना? इसके लिए m aluminium into g 1 minus rho of medium upon rho into एल्यूमिनियम. हाँ या ना? ये दोनों क्या है? बराबर है. तो ठीक बात है यार, ये बराबर है ये दोनों. लेकिन हमें तो इस बात पे भी मतलब रखना है कि इन दोनों में से किसकी डेंसिटी कहाँ पे क्या थी. तो थोड़ा ध्यान से तुम समझना, थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13. सॉरी, एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का 13. नहीं, 13 तो एटॉमिक नंबर होता है, 27 होता है, 27 होता है. हाँ, और स्टील का क्या होता है? स्टील का क्या होता है? सर, इससे ज्यादा होता है, 56 के आसपास होता है. सर, 108. तो इसका अगर इसका ए इसका क्या है ना, एल्यूमिनियम का 27 है, इसका 56 है, तो इसका जो रियल वेट है ना, इससे दुगना है. तो द वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज हाफ ऑफ वेट ऑफ स्टील. सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ पे कुछ फिजिक्स भी नहीं लगाना था. हाँ है ना? है कि नहीं? अरे तुम क्वेश्चन ऐसे सोचना, अब तुम बताओ हाइड्रोजन गैस भारी है कि ऑक्सीजन गैस भारी है? ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन गैस भारी है, हाइड्रोजन हल्की है, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 1 है, इसका 32 है. सिंपल सा लॉजिक. तो ऐसे भी कभी लगाना पड़ सकता है. एक क्वेश्चन है जो एएमयू में आया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. इसको अगर तुम कर ले रहे हो तो फिर तो तुम सीख रहे हो, अच्छा कुछ सीख रहे हो. ये क्वेश्चन नंबर 5, मैं इस पे पोल कराता हूँ, सारे लोग पहले आंसर लगा लो. क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनो. ये कर सकते हो क्या गाइस? क्वेश्चन नंबर 5 वैसल है. हाँ ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो नामिता, क्वेश्चन पढ़ो. A vessel contains oil of density 0.8 over mercury of density 13.6. A homogeneous sphere floats with half volume immersed in mercury and the other half in oil. The density of the material of this sphere in gram centimeter per cube is. हाँ, तो देखो कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है. बुशरा कैसा सवाल है बताओ? कसिस क्लास में है क्या? करने के बाद बताती हूँ सर. हाँ, करने के बाद बताओ. हेलो कशिश, कशिश जी आप क्लास में हैं? है सर. अरुण कैसा हाँ सवाल सर. है भाई बताओ कैसा सवाल है. लल्लू सवाल है. देखो एकदम बढ़िया, एसटीबीजी का स्टूडेंट. अब लगा कि हाँ कोई एसटीबीजी वाला है. मान लो नीचे क्या है? हाँ मरकरी है. नीचे क्या है भाई? मरकरी है ना? किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत नहीं है ना? नहीं. ऊपर क्या है गाइस? और ऊपर क्या है? ऊपर क्या बताओ? ऑयल है. ऊपर क्या है? ऑयल है. अब ध्यान से सुनना, कोई चीज तैरती कब है? जब उसका वेट ऑफ थ्रस्ट के बराबर हो जाएगा तो तैरने लगेगा. सिंपल सा लॉजिक है ना? अब हम देखते हैं, बोला जा रहा है कि आधा एक किस में डूबा है? ऑयल में डूबा है. और आधा किस में डूबा हुआ है? मरकरी में डूबा हुआ है.
अब इसको प्यार से समझना, बड़ी मजा आएगा तुम्हें सच बताऊं तो। सर 7.2 7.2, ठीक है देखते हैं। मैं पोल कराता हूँ, पोल करा दूँ? हाँ सर कराओ सर, क्वेश्चन दिखाया कराइएगा क्वेश्चन। सर, आप क्वेश्चन तो भूल था, जाते हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाना। तब से क्वेश्चन ही तो देख रही थी। ऑप्शन सर, 3, 2, 1 पोल स्टार्ट। 30 सेकेंड का वक्त है आपके पास। एक क्वेश्चन, इसके चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, फिर आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसी एक को क्लिक करें। गलत आंसर के लिए 1 दबाएं, कृपया दोबारा सुनने के लिए स्टार दबाएं। कहाँ है? मेरे ऑप्शन नहीं आया क्या? अरे यही तो ऑप्शन है। पे तो नहीं आया था। हाँ तो तुम बकलोल हो, तुम्हारा सिस्टम ही खराब हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। देखो 5 लोगों ने सही आंसर दिया, जिनहार, अब्दुल्ला, अनामिका, अनामता, अरुण, रिजवान, अली, नकवी। हाँ भाई बताओ कैसा सवाल था? लुल्ल सवाल था? अरे लुल्ल नहीं था, चलो मैं बताता हूँ कैसे लुल्ल था। अब देखो चूंकि कर ना दी भाई। इसके इसका जो वेट है ना, इसका जो वेट है इसको अपथ्रस्ट बैलेंस कर ले रहा है, तभी तो ये तैर रहा है। तो मान लो इसका जो वेट mg है उसको किसको किसके किसके बराबर है? इसके अपथ्रस्ट प्लस इसके अपथ्रस्ट के बराबर है, हाँ या ना? अरे बोलो दोस्त, बोलो भाई। तो इसका अपथ्रस्ट कितना लग गया है? इसमें ऑयल, पहले इसका मरकरी का अपथ्रस्ट कितना है? मरकरी में डूबा वॉल्यूम V/2 आधा डूबा है। रो, मरकरी का रो कितना है? 13.6, 13.6 इंटू जी प्लस इसका डूबा वॉल्यूम, इसका डूबा वॉल्यूम, तो इसमें कितना वॉल्यूम डूबा है? आधा। और इसका फिर डेंसिटी कितना है? 0.8 इंटू जी। अच्छा मास को भी लिख दो ना यार, मास को लिख दो, रो ऑफ मटेरियल या रो ऑफ बॉल लिख दो, हाँ इंटू भी इनटू लिख दो। वॉल्यूम अब भी से भी को शहीद कर दो, जी ने जी को शहीद कर दिया, तो रो ऑफ बॉल कितना हो गया? देखो 13/6 में 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से सेवन, देखो 2 3 6, 6.8 6 पॉइंट कितना आ रहा है? ठीक है 6.8, बहुत बढ़िया। देखो हमारा कैलकुलेशन बहुत गंदा है, और ये वो 0.4, 2 से इसको भाग दे दो, तो ये क्या हो गया? 8 4 12 मतलब 7.2 आंसर। एएमयू वालों ने कितना प्यारा सवाल दिया था। अब तुम पहली बार इस सवाल को देखते ना ऐसा, अगर फिगर बना के दे देता तो और डर जाते। सवाल प्यारा था। अरे बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, मैं हाँ एकदम सर से चिल्ला रहा हूँ। देखो क्लास में आया हो ना तो हाँ ना बोलते रहो, जब यूट्यूब पे आना तो वहां तो यस चैट ही करना है ना, तो जब क्लास में हो तो इस क्लास में होने का फायदा उठाओ। देखो कशिश माइक ऑफ करके आराम से पड़ी हुई है, कम से कम 5 6 बार इसका नाम ले चुका। सर बताइए आगे। चलो अब देखो किसी भी बॉडी को फ्लोट करने का कंडीशन क्या होता है। अच्छा एक सवाल और इस पे, बायंसी से थोड़ा सा और मजा आ जाए बायंसी पे। आई थिंक तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा बायंसी वाला क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि जब क्वेश्चन होने लगता है ना तो अच्छा लगने लगता है। कितने लोग को अच्छा लग रहा है बायंसी वाला सवाल भाई? अच्छा लग लग ठीक है, एक क्वेश्चन एक और है एएमयू का, क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल नजर आ सकता है। देखो एएमयू पे आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, और एएमयू के सारे पीवाईक्यू हम क्लास में ही कर लेते हैं ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो कोई भी। ये लल्लू सवाल है ना, इसको भी छोड़ना मत, क्वेश्चन नंबर 18, और उसके बाद बताना मैं पोल कराऊंगा। अब आइसबर्ग जानते हो ना क्या होता है कशिश?
आइसबर्ग, आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन अ वाटर, द डेंसिटी ऑफ आइस इन आइसबर्ग इज 917 एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, व्हाट परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग वुड बी विजिबल। मतलब पूछ रहा है कि अगर आइसबर्ग मान लो ऐसे आइसबर्ग है, ऐसे ऐसे जैसे भी होता होगा है ना, तो कुछ डूबा भी होगा पानी में और कुछ पार्ट बाहर भी होगा, तो पूछ रहा है कितना परसेंट तुम्हें दिखेगा बाहर की तरफ, है ना। बड़ी मजेदार सवाल है, ठीक है दोस्त, बहुत मजेदार है। कितने लोगों को ये सवाल, मजेदार सवाल समझ में आ रहा है? देखो सारे ही सवाल एएमयू के हैं, ऐसा मत कहना कि अरे सर। वॉल्यूम का फ्रैक्शन सर, फ्रैक्शन निकालना है ना, वॉल्यूम का सर। वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है। कितने लोग इस सवाल को पढ़ पा रहे हैं, कितने लोग को सवाल समझ में आ रहा है? अच्छा पूछता हूँ कितने लोग को सवाल समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो सवाल समझ गए ना तो क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा कशिश का बैकग्राउंड नॉइज है, अच्छा है, अच्छा फिर तो बंद ही रखो। हाँ सर भाई दिखाइए डायलेक्टस, क्वेश्चन। डायलेक्टस जी आप सवाल समझाने का कष्ट करें कृपया अपने सहपाठियों को। देखो यार पूरी रात है हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। किसके किसके पास पूरी रात है भाई बताओ जरा, जरा चैट में। माइक भी ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो गाइस। हेलो सर, हाँ जी डायलेक्टस, क्वेश्चन सर समझाइए। प्लीज उसी कम से पढ़ाइएगा। हाँ अरे जिनार भाई, अरे हम रिचार्ज कर देंगे यार, वैसे मुझे जिनार पे डाउट हो रहा है भाई। तुम्हारा कहीं मीटिंग तो नहीं है ना रात में कि डाटा बचा के रख रहे हो? मेरा डाटा खत्म होने वाला है सर, रात की मीटिंग अटेंड नहीं कर डेटा खत्म हो चुका है। पाऊंगा। वैसे तो आजकल लौंडों को, लड़कों को रात को मीटिंग शायद ही कभी कभी ही मिल पाती है ना, पर क्या ही पता, मान लो तुम एक्सेप्शन केस हो गए, मेरे पास तो है ही नहीं, है ही नहीं। ओ हो डाटा नहीं है सर उसके कोई नहीं, अब बोलो ये पास। सर सवाल मेरे कितने पास लोगों को तो करना है। काम इशारा कर रहे हैं सर, और अभी जो नंबर से कर रहे हैं। गया आपके पास माइक आइसबर्ग, अच्छा नहीं है। आइसबर्ग इज फ्लोटिंग इन वाटर, मान लो आइसबर्ग है जिसका कुछ वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, इसके पास वॉल्यूम कितना था, वी था, इसके पास टोटल वॉल्यूम कितना था, वी था, इस आइसबर्ग का टोटल वॉल्यूम कितना था, वी था, इसका मान लो वी वन पार्ट क्या हो रहा है, वी वन पार्ट क्या हो रहा है, अंदर तैर रहा है, टिनिंग टिनिंग, ठीक है। अब बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917, सॉरी, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना फलाना ढमका, द परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग विल बी विजिबल। तो कोई बात नहीं दोस्त, हम पहले ये निकाल लेते हैं कि कितना ऊपर है, तो कितना ऊपर होगा, वी माइनस वी वन ऊपर होगा, हाँ या ना। अरे नीचे वी वन डूबा है तो ऊपर कितना वॉल्यूम ऊपर होगा, वी माइनस वी वन। तो अब ना हम अब थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, इसका जो वेट होगा वो अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा, तभी तो ये तैर रहा है डियर। अरे बोलो ना, अरे बोलोगे कुछ? हाँ सर, सर अच्छा सही कह रही है, पोल करा दो। चलो पहले पोल करा देता हूँ, नहीं तो बच्ची को लगेगा हम मेहनत करके आंसर निकालें और सर ने पोल भी नहीं कराया। ठीक है सही कह रही है वो बच्ची, सही बोली। चलो भाई पहले पोल करा देता हूँ फिर हम लोग आंसर निकालेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18,
आइए भाई पोल कराते हैं। बच्ची ने बहुत ही अच्छा बात कहा है, पोल करा दीजिए। इसी में पता चलता है कौन कितना पढ़ रहा है कि नहीं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 30 मिनट का वक्त है आपके पास, ठीक है। जल्दी से आप अपने स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 1 दबाएं, पिछले मेनू में जाने के लिए 5 दबाएं, मेन मेनू में जाने के लिए स्टार दबाएं। सर कस्टमर केयर से बात करने का सर सर मेरा 9 इलेवन बटन सही। परसेंट आ रहा है सर। कितना आ रहा है? सर इलेवन मेरा 11% आ रहा है इन गधेड़ों में से सर किसी कारण से नीचे ही आया भाई। किसी गधे किसी किसी गधे ने ऑप्शन आंसर ही नहीं गलत दिया। है सर, ऑप्शन ऑप्शन ही ही गलत गलत है। है सर, ऑप्शन देख रॉन्ग लो सर, 11% होगा। सर, इतनों देख का सर 11 कैसे मेरा आ सकता है सर? सर मेरा 11% अप्रोक्स में 10% आ रहा है। किसी का 10% आया था? सर, मेरा 11 अप्रोक्स में 10%, सर, अप्रोक्स में 10%, सर करेक्ट 11 हो। 11 11 11 अप्रोक्स 10 आएगा। पता नहीं तुम्हारा 11 कैसे आ रहा है। मेरा आ देखो रहा है? मैंने बताया ओके डायल, ऑप्शन हाँ भी। हाँ डायरेक्ट फिर तो तुम्हारा सही है। चलो हम करके देखते हैं ना, करके देखते हैं। अब तुम्हें पता है कि अगर ये तैर रहा है ना, तो जो इसका वेट है किसके बराबर हो जाएगा? अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर हो जाएगा। इस बात से तो इनकार नहीं करोगे। तो नहीं कितना करेंगे थ्रस्ट सर। फोर्स लगता है? अब थ्रस्ट फोर्स कितना लगता है? वी रोजी लगता है। और वी कौन सा होता है? डूबा हुआ वाला। इसमें कौन डूबा हुआ है? V1 डूबा हुआ है। तो ये है रो और ये है जी। जी से जी ने मार दो और एम को क्या लिख दो? रो इंटू टोटल इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी है, ये हो गया V1। हाँ है ना? सॉरी, ये है रो। एम बराबर रो भी। रो कितने, रो क्या हो, कौन सा हो जाएगा? लो रो ऑफ मटेरियल। अब V1 इंटू रो ऑफ वाटर। तो चलो यहां से हम V1 निकाल लेते हैं। V1 निकालिएगा तो जनाब क्या आएगा? व्यूअर, V1 की वैल्यू क्या आएगी? मटेरियल का डेंसिटी 917 है, 917 है। इसकी डेंसिटी कितनी है? 1024 है। सर जीरो और इसका पॉइंट एट वॉल्यूम, नाइन अब देखो 0.8 नहीं, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, हमको क्या निकालना है? इसमें परसेंट कितना परसेंट दिख रहा है? कितना परसेंट क्या हो रहा है? बाहर दिख रहा है, हाँ या ना? अरे हाँ तो हाँ, सर। ये पहले तो ये निकाल लो कितना बाहर दिख रहा है। तो ये इतना बाहर दिख रहा है, V-V1, V-V1, इसमें से क्या कर दो? सॉरी, V-V1, तो V-V1 की वैल्यू है 917 अपान 1024 इंटू वी। ये वी कॉमन कर लो, 1024 माइनस 917 बटा 1024। ये बात सबका सही है? अभी बताओ ये वी का कितना हाँ परसेंट है? सर, दिस इज V1, दिस इज V-V1, मतलब ये बाहर वाला वी आउटर। यही तो वी आउटर है, यही वी आउटर है ना? अरे ये देखो, यही वी आउटर है मेरे ख्याल से। दिस इज वी आउटर भाई, मेरे ख्याल से। क्या करेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें? झूठ थोड़ी ना बताऊंगा। अभी बताओ ये वी का कितना परसेंट है? तो कैसे निकालोगे? वी का एक्स परसेंट बराबर कितना? वी नॉट। तो यहां से एक्स निकाल लो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट इंटू 100 अपन वी। तो वी नॉट को क्या लिख दो? वी मल्टीप्लाई बाई 1024 माइनस 917 बट्टा 1024 इंटू 100 अपॉन में भी। वी से वी को मार दो। अब 1024 में से 917 घटा लो, क्या आएगा? ये हो गया 7, ये हो गया 0, 107 आएगा क्या भाई? हैं, 1024 में से घटाओ यार, 1024 में से 917 घटा लो, देख लो कितना आ रहा है। और अपॉन में ये हो गया 1024 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो ना, इसको 1 0 इधर दे दो, 1007 अपन 1024 मल्टीप्लाई बाई 10। ये देखो एक के बराबर है, लगभग एक के बराबर है। देखो 0.9998 के बराबर है इंटू 10। तो ये हो गया 10% आंसर। कितने लोग आया? 10%। अरे तुमसे ठीक ही कैलकुलेशन करता हूँ यार, कितना बेकार है। तो
अरे कितने लोग का 10% आया था एक बात बताओ, कितने बच्चों का 10% आया था? एक बच्ची का आया था, बाकी लोग कौन कौन क्लास में है? जिनार है, अली नकवी है, बुशरा है, कशिश है, अरुण सर है, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ सर गलत हुआ है। सर 11% आ रहा। दिखाना सर मैंने कुछ गलती थोड़ी ना किया है, मैंने तो बस वॉल्यूम निकाल लिया ऊपर का कितना नहीं डूबा है, और फिर उसके बाद से इधर मैंने सर निकाल राइट दिया। में दिखाओ थोड़ा सा। राइट में देख लो, राइट लेफ्ट सब देख लो यार, किसी को डाउट हो तो प्लीज हाँ सर, पूछ लो। अच्छा एक लड़की थी क्या ना, अनामता, वो चली गई क्या? हाँ सर जस्ट गई है लक्ष्य। अरे हेलो सर, हाँ यार क्या ही हो जाता, मतलब मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ क्या भाई, ये बताओ पहले भाई, मैं सही पढ़ा रहा क्या? अरे सर आ आपको अपने ऊपर गई। भरोसा नहीं है सर? अरे मुझे तो भरोसा है, मुझे इन गधों पे भरोसा नहीं है। मैं इन्हें सर बताना बढ़िया चाह रहा पढ़ा हूँ कि रहे। भाई भाई यार मतलब ऐसा मत किया करो। चलो क्वेश्चन क्या था सर, पिछली बार दिखाई। आप जल्दी आ गए क्वेश्चन देख थोड़ा। लीजिए। ये नहीं सर, इसके पहले वाला सर हाँ जो अभी आपने लेटेस्ट करा है। लेटेस्ट कराया है, लो लेटेस्ट करा। अरे कहाँ चला गया वो, ये लेटेस्ट कराया, लेटेस्ट। सर ये इसके पहले वाले जो क्वेश्चन आपने किया 7.2 आ रहा ना सर, ये एमयू का जो हाँ क्वेश्चन था। हाँ हाँ इतना अरे सारे क्वेश्चन एमयू के ही हैं डियर, और देखो बीटेक में ऐसा आ रहा है तो बीएससी का क्वेश्चन तो डेफिनेटली तुम कर लोगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा। हाँ हाँ भाई सर, बताओ। किसी को दिक्कत है क्या यार, पता नहीं कोई नहीं तो कुछ बोल ही सर क्यों नहीं रहा, आधे लोग शांति से बैठे हुए हैं। अगला सवाल दूं, तैयार हो सोल्जर? सर ओके डेफिनेटली। चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप ध्यान सुनो। अब कोई भी बॉडी कब नोटेशन फ्लोट करेगी कब नहीं करेगी उसके बारे में हम थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? अ बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड ओनली, कि कोई भी बॉडी लिक्विड में तभी फ्लोट करेगी जब उसकी डेंसिटी क्या हो, लिक्विड की डेंसिटी से कम हो। अबे गधे आइस क्यों तैरता है पानी में, आइस पानी में क्यों तैरता है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है आइस की या पानी की? सर पानी की डेंसिटी जिसकी, ज्यादा होती अच्छा अच्छा जी, मतलब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो सर, गई। आइस की होती है। जब अच्छा तो सर आइस उसको की होती ज्यादा है। फ्रंट लगता है। अच्छा फिर तो अरे तुम थोड़ा सा कम होती है सर, सेम सेम रहता है ना। अरे यार थोड़ा सा कम रहता होती है है। भाई आइस की। वाह वाह आइस की वाह थोड़ी अच्छा। सी बस कम होती है सर। सर इसीलिए तो सर 10% ऊपर रहता है हल्का एक सा। रुको रुको अच्छा रुको, एक 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 से पूछते हैं, एक एक से पूछते हैं ना, एक तो पोल कोई तो करा भाग दे ही सर, गया। हाँ हाँ पोल पोल करा करा दो, दे मजा सर। आएगा मजा आएगा, पोल कराते हैं ठीक है। पहला, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। दूसरा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ हाँ सर, आइस, ठीक है। तीसरा, नन ऑफ दीज, है फोर्थ ना? डाटा इनसफिशिएंट। अरे अरे फोर थोड़ छोड़ो, तीन ही में काम चल जाएगा। अरे सर एक बार अरे ऑप्शन अरे दिखाइए, ऑप्शन दिखाइए देख लो पहले, ऑप्शन देख लो सभी लोग, है ना? मैं सर। फिर से रिजवान आंसर वाला दे तो लगा दूंगा। दीजिए सर, इक्वल टू वाला। अच्छा रिजवान वाला लगा दूं? हाँ भाई लो रिजवान का।
डेंसिटी हमें तो वही लगाना है। ऑफ वाटर इक्वल डेंसिटी टू आइस। लो चौथा में भी लगा दिया, देखता हूँ किसका किसका सही आंसर आता है। 3 2 1 पॉलीस्टार्ट। ए कौन है भाई, आ रहा है जा रहा है? अनात्मा अर्षद, बाहर फेंक दूंगा क्लास से। तुम बार बार आ रही हो जा रही हो, लेफ्ट कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? पोल को रिप्लाई करो। देखते हैं ये चारों के चारों ऑप्शन उपलब्ध, देखते हैं कितने लोग सही आंसर तक पहुंच पाते हैं। 1 सेकेंड बाकी, खत्म। पोल सामने है, 8 बच्चों ने रिप्लाई किया 9 में से। मतलब इसने अनात्मा ने इसे भी नहीं देख, इसे भी रिप्लाई नहीं करा। इसमें भी क्या ही मसला सर, है। उसको सर स्क्रीन उसको शो नहीं हो स्क्रीन रही शो नहीं हो अपनी। रही सर सर। इसको स्क्रीन नहीं शो हो रही है क्यों भाई? क्या दिक्कत है उसको? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही क्यों भाई? भाई सबको शो हो रही है। अरे तुम मुझे पिन कर लो, किसी और को पिन करके बैठी होगी क्या पता। देखो शफीक भाई ने सही आंसर दिया, डायलेक्टस कशिश रिजवान जिनार अली नकवी ने आंसर दिया। ठीक है भाई, एक बंदे का आंसर गलत है ना? नहीं, 6 8 बच्चों ने आंसर दिया था, किसी ना किसी एक दो का तो, 2 बच्चों का आंसर गलत है। मेरा वो गलत है कौन सर। लोग थे? हाँ भाई अरुण, क्या क्या गलती करा? सर मैंने तो जो बोला था वही ऑप्शन वाला सही लगाया नहीं सर। देखा सर था। अब से सही नहीं। अरे यार सर शफीक ने ऑप्शन गलत देखने बता गलत दिया। हुआ। तो देखो तुम्हें पता है ना, तुम्हें ये बात पता है ना कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा? फ्लोट करेगा। तो कौन फ्लोट कर रहा है? आइस फ्लोट कर रहा है, आइस फ्लोट कर रहा है ना, तो उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। हाँ या ना? अरे आइस फ्लोट कर रहा है ना, सर तो उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए ना। तो सिंपल सा लॉजिक है कम होनी कि डेंसिटी ऑफ चाहिए वाटर, हाँ डेंसिटी ऑफ वाटर, अरे जिसकी डेंसिटी कम होगी वही तो फ्लोट करेगा। अब देखो पानी है और ऊपर ऑयल, पानी में ऑयल डालो, वाटर में ऑयल डालो, ऑयल ऊपर गया। फ्लोट करने ठीक, लगता है, थोड़ी तुमने सी कम महसूस होती किया है। होगा। अब हाँ थोड़ी सी कम होती है, जस्ट थोड़ी सी। अब देखो वाटर में तुम ऑयल अब डालो, समझ गया। ऑयल ऊपर तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है ना वो कम होती है। हाँ या ना? अब तुम वही वाटर में ना थोड़ा सा पारा डाल के देखना, पारा नीचे चला जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसकी वाटर की थर्टीन डेंसिटी पॉइंट कम हो सिक्स गई, होती है उसकी 13.6 होती है, रिलेटिव वाटर की 1 होती है। समझ रिलेटिव में आ गया? अरे गाइस समझ में नहीं आया। आ गया सर। हाँ हाँ सर आ गया सर। अरे मरकरी पारा बाहर नहीं है समझ में आया? वही पारा मतलब मरकरी, मरकरी एचजी यार है, अंग्रेज एचजी। अंग्रेज की, अंग्रेज की रिश्तेदार बनी हुई है, देखो अरे ये है। क्या, ऐसा ऐसा लग अरे रहा है सर जैसे ये अरुण जैसे विलायत से पकड़ के डायरेक्ट मेरे कहाँ। क्लास में आ गई। हाँ डायरेक्टली दीदी कहाँ अरुण पता नहीं अरे नहीं, जैसे लग रहा है बिलाज से पकड़ के डायरेक्ट आई है मेरे क्लास में, है ना? चलो भाई अब अगला 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 रसोड़े ये से एक कितने क्वेश्चन अब एक सवाल और मैं से तुमसे करूंगा, एक सवाल मैं तुम करूंगा कि तुम बोले कि सर आप एक बात बताओ, आप एक ऐसी बातें कर रहे हो कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरती है, फिर तो नाव लोहे की तैर रही है, इसका मतलब लोहे की डेंसिटी तो कम हो गई फिर। अरे बोला ना मैंने नहीं सर, सिर्फ कि उस पे अगर भी डिपेंड डेंसिटी, करता है ना सर। अगर कूलोम डेंसिटी कम पे होगी तभी वो तैरेगा। तो अब तुम बोलोगे सर नाव तो लोहे की है तो फिर कैसे तैर रहा है जबकि इसकी डेंसिटी तो ज्यादा है। हाँ या ना? ये सोचने वाली सवाल है, सोचने वाला हाँ क्वेश्चन है कि नहीं सर, है? उसका वॉल्यूम बढ़ा हाँ तो दिया बताओ। जाता है। यस सर। हाँ सर हाँ किसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है? नाव का सर सरफेस हाँ एरिया, नाव सरफेस का ऐसा शेप, भाई नाव का ऐसा एरिया शेप कर दिया जाता है ना, ऐसा शेप करते हैं कि इसको वॉल्यूम वही भी बहुत ज्यादा होता है और सरफेस सरफेस एरिया तो ज्यादा यहाँ पे वो होता ही है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है ना, तो वॉल्यूम ज्यादा कर सर। दिए। वॉल्यूम तो कम सरफेस एरिया में भी बढ़ सकता है ना। हाँ हाँ भाई इसका शेप देखना, कभी नाव का शेप देखना, हमेशा नाव का शेप ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, सिर्फ यही पार्ट तो लोहा है ना, बाकी जो पार्ट है वो क्या है? वो तो एयर से भरा पड़ा है। प्लास्टिक। हाँ सर। अरे अरे एयर है वे, पूरा इसका वॉल्यूम अगर इसके क्लोज होता तो इसका ये अच्छा पूरा सर क्या होता? ठीक। अरे खोखला, अरे कोई खोखला चीज लेना और हाँ सर एक ठोस चीज लेना, देखना कौन डूबता है कौन तैरता है। खोखला चीज ज्यादा तैरने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा हुई तो भी,
क्योंकि खोखला तो ऊपर से है ना, मतलब इसका ये पतला सवाला का डेंसिटी ज्यादा है ना, पर अंदर जो डेंसिटी हो तो एयर है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? आ रहा है सर। हाँ तो ये वाला मसला है कि क्यों वो तैरता है, क्योंकि इसको वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दिया गया रहता है, वो खाली स्पेस हो जाता है, तो उसकी वजह से उसका अगर तुम इफेक्टिव डेंसिटी देखोगे ना तो उससे भी कम आ जाएगा। अब आओ हम डायनामिक में पढ़ते हैं। अब यहां तक में तुमको कोई दिक्कत था? आर्कमिडीज का प्रिंसिपल लगवा लो, पास्कल लॉ लगवा लो, यहां तक में कोई दिक्कत था तो बताओ फिर। नहीं सर, नहीं सर, बुशरा जी बताइए। नो सर। अरुण, डायलेक्टस, बुशरा, रिजवान, ये अनु कौन नो है? सर, हेलो अनु, नो सर, अरुण है सर। सर नहीं अरुण, अरे नहीं, अनु 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 लिखा है इसने, ये सर ये कोई नया स्टूडेंट है। हेलो भाई अनु, कुछ बताओ। यस सर, कोई बताओ अनामिका ना। होगी, अनामिका होगी सर कोई। अरे नहीं, अनन्या, कर रहे हो यार, अरे जो भी मतलब हो, तुम उसका यार नाम तुम लोग अनु है नाम तो अनु ही नाम के होगा। पीछे पड़ गए, अनु नाम है, अब तुम लोग नाम उसका नामकरण कर दो यहीं पे, है ना? सर अनु नाम है मेरा। ओके ओके अनु, ठीक है, सर, बढ़िया सवाल। चलो एक और सवाल कर लो इसी पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फ्लूड्स लॉ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है? एक सवाल और करते हैं जो कि इन्हीं सारे एग्जाम्स में से आया हुआ है, ठीक है? एएमयू का ही सवाल है, एक सवाल लास्ट सवाल एएमयू का ही सवाल है, आई थिंक दिख रहा होगा तुम्हें, टन 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 तारा आ गया यार। हाँ ये सवाल दिख रहा है, पढ़ो सवाल पढ़ो। डायरेक्टर्स जी सवाल पढ़िए, अभी से सवाल पढ़ने के लिए कहूँ ना, आप देखना है बोलेगी नहीं, नहीं मैं आराम सर, से मैं कोई पढ़ क्वेरी। सक हाँ तो पढ़ो। सर एनर्जी कंजर्व करते हैं, आगे काम आए। द चलो बोलो ये पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल बिकम 3 टाइम्स एज इट्स रेजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू इट्स सरफेस, अज्यूमिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी 75 सेंटीमीटर ऑफ एजिम एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1/10 ऑफ द डेंसिटी ऑफ मर्करी, द डेप्थ ऑफ द लेक इज। भाई किसी को कुछ समझ में आया अच्छा इसने अच्छा क्या क्या पढ़ा है? लेक्चर इसने था किसी को सर, कुछ समझ में आया? समझ में अरे आया, बस कठिन से मजा बहुत बोलो, आया सर। बहुत दौड़ा के कूटे जाओगे, बता रहा हूँ, सभी मजे ले रहे हैं, सर सवाल मत समझो। नींद ए आ मैं नींद। जाएगी अच्छा बुशरा कलीम, ये सो रही है, हेलो बुशरा, जो सो रहा नहीं? होगा क्वेश्चन पढ़ेगा, वो क्वेश्चन बताओ फिर से पढ़ो, और ऐसा यस पढ़ना कि हमें समझ में आया ना, अब विलायत वाली अंग्रेजी में बिल्कुल सर। मत पढ़ना, बता रहा हूँ तुमको। द वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल बिकम्स 3 टाइम्स एज इट राइजेज फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू इट्स सरफेस, अज्यूमिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर टू बी 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1/10 ऑफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, द डेप्थ ऑफ द लेक इज। बहुत बढ़िया, मुझे वैसे समझ में सच में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले ना मैं पोल करा दूँ क्या, या तुम लोग पहले मतलब पोल करा दूँ, या फिर पहले मैं सॉल्व बता दूँ? करेंगे। सॉल्व अरे करो, सर थोड़ा बहुत सॉल्व बढ़िया। कर लेते हैं ना सर। हाँ पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं पोल कराता हूँ। मैं इसी वजह से नहीं पढ़ती, आप मेरी बेइज्जती कर देते हो। अरे नहीं मजाक कर रहा था यार, दिल पे मत लिया करो गाइस तुम लोग, यार मैं बस जस्ट, तुम लोग सो मत ना, इसलिए मैं थोड़ा सा सर मजाक कर हमारी रहा कर लो था। फिर हाँ भी दिमाग मिल गया दिमाग में लिया करो। हेलो अनु, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? तुम लोग उसको भगा दिए क्या जी, मजाक कर करके भाग गए क्लास छोड़ के, भला बताइए।
बेचारी पढ़ने के मकसद से आई थी और तुम लोगों ने ऐसा ऐसा नामकरण कर दिया कि वो बाकी क्लास ही छोड़ गई। अरे सर नींद आ रही होगी तब गई होगी सर। नहीं मतलब क्या ही मसला है, बेचारी को भगा दिए क्लास छोड़ के, अब उसे अब पता है अब जाके बाहर कहेगी अरे वहां पे बड़ी नखादे हैं सब। अरे सर कोई मगर नहीं मेरा होगा नाम खराब हुआ बता रहा हूँ, तुम दोनों को बहुत कूटूंगा, सर। नामकरण बैठ के कर रहे हो। हाँ भाई अनामता आपको दिख रहा है स्क्रीन, पोल करा दीजिए सर। पोल करा अरे दीजिए इसी ने पता लगा है। लिया था, पोल करा दीजिए, देखते हैं सर। नहीं और बाकी भाई बाकी लोग भी लगा ले यार, नहीं इस अनामता की बात कर रहा हूँ। भाई अनामता जी आपने स्क्रीन, आपको स्क्रीन दिख रही है? इन्होंने कहा कि हमको स्क्रीन नहीं दिख रही है गुरु जी। ये क्लास में है अनामिका? यार चैट में लिखिए, चैट में। क्या लिखिए पढ़ के बताओ। क्या लिखिए? यस सर क्लास में है। आई एम हियर, आई एम हियर। ओके गुड, बहुत बढ़िया बात है, आप अगर यहाँ हैं तो दैट्स गुड। सर ये नहीं लग पा रहा है सर। नहीं लग पा रहा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर वेल बिकम थ्री टाइम एज इज राइटेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक ऑफ इट सरफेस। यहाँ पे मान लो वॉल्यूम वी था, जब यहाँ पे आया तो क्या हो गया, थ्री वी हो गया। एज्यूमिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1/3 डेंसिटी ऑफ मरकरी। अब तुमको एज्यूम करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पी नॉट है ना वो है 775 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, है ना, और जो डेंसिटी वाटर का डेंसिटी है ना रो ऑफ वाटर 1/10 ऑफ मरकरी है। मतलब कितना है भाई, हाँ सर, मरकरी का 1/10 है ना, तो 1/10 रो ऑफ एच जी। कोई दिक्कत? तो बोल रहा है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ लेक। अरे भैया यहाँ पे कौन से लॉ लगाएंगे, देखिए यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अरे गधेड़ो बताओ कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा कहाँ प्रेशर कम होगा, हाँ सर। एएमयू का सवाल है यार, मजे में ले रहे हैं। यहाँ प्रेशर ज्यादा यहाँ प्रेशर कम, तो मान लो यहाँ का प्रेशर पी टू है, यहाँ का प्रेशर पी वन है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, P1V1 बराबर P2V2 बायस लॉ लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं ना प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, जहाँ प्रेशर कम वहाँ वॉल्यूम ज्यादा। अनामता क्लास सुबह वाले क्लास में कौन कौन से थे, सब यही सेम क्वेश्चन करवाया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था सुबह में जब लिक्विड का क्लास लिया था, तो कौन कौन था? सफीक तुम तो बच्चे से पढ़े होगे। हाँ सर, अरे बताओ देवता, सर क्या बता दूँ सर। कैसे करें, P1V1 बराबर P2V2 लगा दो, यहाँ का प्रेशर क्या है P2, अब P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू भी निकाल लो लगे हाथ, P0+ρgh। कोई कमी यहाँ, कोई कमी महसूस हो रही है? मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी। P0+ρ, रो कितना है, रो ऑफ वाटर है रो ऑफ एच जी बट्टा 10, और जी कितना है, जी की वैल्यू तो जी ही है, एच हमने एच मान लिया, इनटू वहां पे वॉल्यूम भी है बराबर। जरा इसको करना जनाब, यहाँ पे प्रेशर कितना है, सिर्फ पी नॉट है और यहाँ पे और यहाँ पे और पी नॉट, ए पी नॉट ही है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 3V है। हाँ या ना, अरे किसी को डाउट है क्या? मैंने कुछ गलती कर दिया क्या भाई? नहीं सर, नहीं ना, तो आप बताओ यार इसको हम कैसे सॉल्व करें, पी नॉट को क्या लिख सकता हूं,
सॉरी पी नॉट प्लस रो जी एस इनटू बी, पी नॉट को वी से बी को काट दो पहले, उसको उड़ा दो। देखो ये पी नॉट रहने दो प्लस रो जी एच, तो इसको लिख दो रो एच जी इंटू जी इंटू एच अपान दस, दस दस रहने ही दो यार, या दस से दस को उड़ा दो, है दस से दस को उड़ा दो। अरे उड़ा नहीं दोगे, इसको बोल दो थ्री पी नॉट, पी नॉट को इधर भेजो, ये हो जाएगा टू पी नॉट। यहाँ पे क्या बचा, रो एच जी मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब पी नॉट क्या है, टू पी नॉट क्या है, पी नॉट की वैल्यू क्या है, 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, हाइट 75 है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 1/10 कर दो, और एच जी रो इंटू एच, रो का एच जी, और ये यहाँ पे क्या हो गया, रो इंटू एच जी इंटू हाइट, रो एच जी से रो एच जी काट दो, ये क्या हो जाएगा, दो से पांच कट गया, और पांच से 75 काट दो 15, एच बराबर 15 मीटर। अरे कितने को एच बराबर 15 मीटर आया बताओ रे, किसका किसका आंसर आया? हाँ सर, अरे लेंदी सवाल था क्या, मुझे तो दो लल्लू सवाल लगा, बस यूनिट का ध्यान रखना कि यहाँ दे, यहाँ देखो सेंटीमीटर में दे दिया था, तो उसको मीटर में बदलना पड़ा, क्योंकि क्यों मीटर में बदलना पड़ा, क्योंकि हमने जी 10 रखा था, तो जी वो मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 होता है। नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई साहब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ सर ठीक है, चलो यार लग रहा है तुम लोग का पढ़ने का मन भी नहीं है, मुझे लग ऐसा महसूस हो रहा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? अब देखो बर्नौली थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन, देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, अब ना हम आ रहे हैं, अब तक हमारा जो पानी था ना वो स्थिर था, अब हमारा पानी क्या होगा, डायनामिक हो गया, बह रहा है, अब लिक्विड क्या हो रहा है, डायनामिक स्टेट में बह रहा है, ठीक है। तो अब तुम बताओ पहला इसके लिए, पहला अगर मान लो कोई लिक्विड क्या है, डायनामिक स्टेट में है, तो इसके लिए जो सबसे पहला लॉ है वो है बर्नौली लॉ, क्या है, क्या है दोस्त, सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पहला इक्वेशन क्या है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, ध्यान से सुनना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के आधार पे तुम्हें पता, मान लो एक पाइप ले लो सफीक, तुम्हारे घर पाइप है, अरे बताओ भाई, अबे माइक ऑन करके बोलो यार, तुम लोग चैट में लेके जाते हो, देखो 7 बच्चे हो गए, कम होते जा रहे हैं सब, जाओ तुम निकलो भाई, जिनार भाई निकलो तुम, ठीक है। अभी बताओ ये माइक माइक, ये बताओ किसके अगर पाइप है, एक्सपेरिमेंट करके देखना, इधर से जितना पानी भेजोगे एग्जैक्टली उतना ही पानी इधर से बाहर आएगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ पानी इस पाइप में सूख जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है ना सर, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके, आइडियली हम बात कर रहे हैं, हाँ तुम कर चुके होगे। तो अब तुम बताओ जितना पानी इसमें घुसेगा एक सेकंड में जितना पानी इधर घुसेगा अगले सेकंड में, मतलब उसी टाइम में उतना ही पानी इधर से बाहर निकल के आ जाएगा, हाँ या ना। तो इसी पे इक्वेशन दिया गया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दी गई थी, इसमें इन्होंने ये बताया कि मान लो एक पाइप है जिसका एक तरफ का एरिया ए है और उधर वी वेलोसिटी से पानी घुस रहा है, और अगर उधर वाला एरिया अगर छोटा हो जाए A2 हो जाए, तो उसमें से जो पानी निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अरे जब पौधे वौधे को पानी देते होगे ना, तो मोटर से जो पानी आता है वो तो जो आता है वो तो सेम एरिया में आता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखना अगर पाइप को थोड़ा सा पतला कर दो या दबा दोगे ना, तो तेज स्पीड से पानी निकलने लगता है, कितने लोगों ने ऐसा देखा है। हाँ, पानी वानी नहीं दिए क्या अपने घर पे पौधे पौधों को? कुछ लोग कहेंगे सर पौधे हम तो बाल्टी से देते हैं, स्कूटी क्लीन करते समय स्कूटी क्लीन करते समय है ना,
स्कूटी क्लीन करते समय तुमने देखा होगा यार, अरे जब प्रेशर से देना रहता है तेज, प्रेशर से देना रहता है तेज, वेलोसिटी से देना रहता है, तो अपन लोग क्या करते हैं हाँ बताओ सर यार। देखे। भूसरा तो ऐसे कह रही है, हाँ सर देखे, जैसे लग रहा है पहले सफाई का ही काम हो इसका। अच्छा स्कूटी स्कूटी से हाँ, क्लीन करवा स्कूटी से ये भी साफ देते। करती थी सर। अच्छा तुम इसके घर जाके देखे थे क्या? नहीं, इसी नहीं बताया था सर, गूगल अच्छा इसी ने बताया था। मैप पे। नहीं अच्छा सर अच्छा कुछ भी वो कुछ भी बोलते हो हैं? तो देखो क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनना, हम ये देखते हैं ना कि अगर पाइप का मुंह मोटा कर दिया जाए तो पानी धीरे निकलेगा, और पाइप का मुंह पतला कर दिया जाए तो पानी कम निकलेगा। मतलब जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। जो वेलोसिटी है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, जो ए वन वी वन होगा वो ए टू वी टू के बराबर होगा, हाँ है ना? अरे अभी कह रहे थे ना कि प्रेशर, अभी तुमने वाइल्स लॉ में बोला कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो फिर उसने उस फार्मूले से तुमने निकाला पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। उसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है भाई? ये भी वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू होगा। बताओ भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या? बुशरा कलीम आपको नहीं समझ में आ रहा बच्चा? हाँ मजाक सर। सेट के सच बताओ यार, लल्लू सवाल है। हाँ सर। ठीक बढ़िया, कौन मैसेज किया है? अरे यार ये क्या ही बताऊं इसको। ठीक है अब देखो, एक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें अच्छे से आना चाहिए, हाँ या ना? हमको पता है कि जितना मास, जितना लीटर पानी इधर से घुसेगा उतना ही लीटर उधर से पानी निकलेगा, हाँ है ना? तो मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग पर सेकेंड क्या होगा? मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड। अरे मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग पर सेकेंड एट ए बराबर मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग पर सेकेंड एट बी। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और एक कब लागू होता है? स्टडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड में। हाँ सर। पहली बात, ये तभी लागू होगा जब लिक्विड है स्टेडी फ्लो में हो। ऐसा नहीं है कि इनिशियली में कम वेलोसिटी से जा रहा था, फिर बाद में मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज कर दिया गया, ऐसा वैसा। मतलब स्टेडी फ्लो में होना चाहिए यार, फ्लो स्टडी होना चाहिए। और दूसरा, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और विस्कस भी नहीं होना चाहिए इसमें, विस्कोसिटी भी नहीं होनी चाहिए। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है? किसको सिटी क्या सर? विस्कोसिटी अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आगे बताऊंगा, ठीक है? लिक्विड में ही बताऊंगा विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है? अब देखो, फ्रीली फॉल लिक्विड, पहले ये तुम्हें आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू। अब एक बार ना ग्राफ पूछ लिया था, ग्राफ पूछ लिया था, तो तुम्हें पता है वेलोसिटी बराबर क्या है? वन बाई ए, हाँ है ना? तो वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रख दो, वाई बराबर सी बाई एक्स का ग्राफ बन रहा है। ये कौन सा कर्व है? वाई बराबर सी बाई एक्स कौन सा कर्व है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसा कुछ बनेगा, हाँ है ना? अभी गधेड़ो बताओ, गजब की हाँ गधे हो सर, यार। ठीक अब एक सवाल, गजब। ये सवाल दिख रहा है तुम्हें? ये जेई में भी आया हुआ है, यूपीटीयू में भी आया हुआ है, और एक और एकेटीयू कोई एग्जाम, हाँ एकेटीयू, उस मतलब दो तीन एग्जाम में सवाल आया हुआ है, और है लुल, हाँ ट्रिपल एम यूटी में आया हुआ है, और ट्रिपल एम यूटी में तो मैं, मेरे ही टाइम आ गया था, और मैं इस सवाल को बहुत सोच रहा था। सर जेई नाम ना लिया करो, है अगर क्या सर, है क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोला इस है ना क्वेश्चन में तो कि कुछ भी यहाँ पे नहीं है। कुछ नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे वेलोसिटी बताने के लिए बोल रहा है। तो तुम्हें पता है जितना मास यहाँ से घुसेगा, मान लो एम घुस रहा है और इधर एम वन जा रहा है, इधर एम टू जा रहा है, तो एम वन प्लस एम टू के बराबर होगा। तो इसके जगह पे लिख सकते हो क्या? ए वन वी वन, ए वन यहाँ पे वेलोसिटी वी वन बराबर, ये मान लो एम टू और एम थ्री ले लो,
ए क्या होगा, ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री, कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्या सर? लल्लू बात, ए वन बी वन कितना है, इसका एरिया है ए और यहाँ पे वेलोसिटी है तीन, बराबर। ए टू वी टू इसका वेलोसिटी है वी, एरिया है 3/2 a, प्लस इसकी वेलोसिटी क्या है 1.5 और इसका एरिया है ए। ए ने ए को मार दिया, इसको इधर लेके आओ, तो 3/2 × v बराबर क्या हो जाएगा 1.5, इसको इधर भेजो, 3v बराबर 3, तो वेलोसिटी वन आ बराबर जाएगा, वन। वन आ जाएगा कितने लोग को इस सवाल समझ में आया, ये लल्लू सवाल कितने लोगों ने कर लिया? सर। यस हाँ सर, सर कर आ गया लिया। समझ। अरे देखो यार, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन तुम्हें पता है कि जब इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ बोल रहे थे जितना मास घुसेगा ए में उतना मास बी से निकलेगा बी में, तो एम ए बराबर एम ए बी बोल रहे थे, और इसको तुमने बोल दिया कि ए वन वी वन, तो यहाँ पे बोल दिया ए टू वी टू, रेशियो है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको ए वन वी वन, इसको ए टू वी टू, इसको ए थ्री वी थ्री कर दिया। एक और वायर रहता तो उसको बी सी में जोड़ देता, मतलब निकलने वाली आने वाली धारा बराबर निकलने वाली धारा, खत्म। एक सवाल और, क्रिस्टोफ ला लग किरचाफ ला। हाँ किरचाफ ला लगा रहे, देख रहा हूँ। एक और सवाल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज मुझे बताए, देखो तुम बताओगे तो ही मैं तुम्हें जान पाऊंगा समझ पाऊंगा, नहीं बताओगे। अच्छा एक बच्चा है जो अभी तक रुका हुआ है, जो फ्री बैच ज्वाइन किया है, अली नाकवी, बाकी तो सब अपने बच्चे हैं। हाँ भाई अली, अली नाकवी, अली नकवी सर। अच्छा अली नकवी, अच्छा मैं नाकवी बोल रहा हूँ यार, वैसे मेरी अंग्रेजी बड़ी तरद्दी है ना। हाँ भाई अली नकवी, कुछ बोलोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई नहीं बताओगे तो कैसे मुझे पता हाथ चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि बह नहीं आ रहा? पड़े हैं। बता रहे हो मैसेज किया क्या? अली नकवी ये तो हंस रहा है। अरे भाई बता, बताया करो तुम लोग यार, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तुम लोग को कुछ पल्ले भी पड़ रहा है कि नहीं? फिर ये क्वेश्चन क्या करना है? अच्छा हाँ एक कह रही है क्वेश्चन क्या करना पड़ रहा, क्या करना है बताओ भाई इसको, क्वेश्चन क्या करना है? बुशरा बताओ अपनी बहन को क्या करना है क्वेश्चन में। सर पहले मेरा तो सर इस पे पोल कराओगे? नहीं सर, ए आएगा क्योंकि सर डायमीटर जो है वो कम है सर, तो इस वजह से मामू बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये आएगा सर। ये आएगा, देखते हैं। क्या पूछ रहा है, किससे इस बार पढ़वाया जाए, किसको नींद आ रहा है? ये नकवी भाई चले गए क्या? किससे पढ़वाया जाए? रिजवान, रिजवान नहीं बोल रहा है तब से। हाँ भाई रिजवान क्लास में हो? रिजवान क्लास में हो? ये लग रहा है लगा के सो गया है। सर तो बताओ भाई, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो, देखो सब क्या क्या कह रहा है और दूसरों को समझाओ। आहा हा, कुछ
बोलो भाई, 1.5 घंटा होने जा रहा है, 12 बजने वाला है। लड़कियों के घर वाले मुझे लगेंगे जानेंगे तो लगेंगे चिल्लाने कि कौन सा मास्टर है 12 बजे तक पढ़ा रहा है। तुम लोगों में से कोई गांव से तो नहीं हो ना? बुशरा, मतलब कौन से गांव सर? गांव अरे गांव नहीं मतलब होता है रूरल एरिया जो होता है ये सर, ना, रूरल एरिया। सफी का सर? नो सर। शफी नहीं, अरे लड़कों का दिक्कत है, उन्हें पता है ये सब तो रात भर 2-2 बजे तक अरे सर लौंडे बिजी रहते हैं, दिया है सर, देखो जान। हमारे यहाँ सर सुशांत ने नगर दे दिया है, पालिका है सर, महापालिका भी अरे होता है सर। तुषार कह मतलब रहा है सर। तुषार क्या कह रहा हाँ है? सर बताइए, अरे नहीं, लड़कों का तो उसका रहता मस्त है कि गया एग्जाम मस्त। तुषार अच्छा सर सही में भाई नहीं दिख रहा है सर, आज पता नोटिस नहीं। कर रहे हो? हाँ तुषार भाई नहीं दिख रहा है। लड़कों को तो कोई आजकल नहीं बोलता है, मतलब अब पहले पेरेंट्स पीट वोट भी देते थे, अब तो थक गए हैं। उन्हें पता है जब तक इनके फोन में हाथ रहेगा, हाथ में फोन सर रहेगा जानते इनका हैं कि कुछ नहीं होगा। नालायक पेरेंट हाँ तो उनका तो समझेंगे। लड़कों ये का ही मसला है, लेकिन लड़कियों का थोड़ा सा वो कह रहता है रहा ना, है सर घर वाले तुषार, चिल्लाने लगते हैं। सर तुषार ये कह रहा है पहले सोचा नहीं दूंगा फिर ठीक आया पेपर दे दिया। ओ नाइस। इसमें कौन सा है? जेई का मेंस हाँ अरे देखो क्या होता है दे सही। दिया, वो हाँ दे दिया 31 तो को। हो गया। तो आजकल देख नहीं रहा वो कहाँ है, क्लास नहीं ले रहा। अरे एएमयू की प्रिपरेशन कर रहा है। यार वो तो हम लोग किसकी कर रहे हैं यार, पता है तुम्हें? नहीं मतलब वो खैर ऐसे छोड़ो, ही कह मैं रहा कुछ है, नहीं मैं कि कहना क्या कर रहे हो भाई भाई आजकल, एएमयू की भाई प्रिपरेशन कर रहा हूँ। भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जिसको जैसे करना है करो ठीक है, जिसको भरोसा है रुको, जिसको नहीं है मतलब तुम यार स्वतंत्र हो। देखो यार बात भरोसे की है, खैर नहीं छोड़ सर वो टू मेरा फाइव। मसला होता है ना कोई क्लास जैसे, मगर मैं छोड़ता हूँ तो हाँ वो टॉपिक पढ़ा हुआ होता है इसीलिए छोड़ता हूँ, अच्छे से पढ़ा रहता हूँ तो छोड़ देता हूँ, ताकि अरे दूसरी तुम चीजें तो हैं नहीं जो करे कवर। सर, नहीं नहीं मैं अपना बता रहा हूँ, जो क्योंकि अक्सर क्लास छोड़ दे रहा हूँ। 2 पाइप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड विद अ सप्लाई, मेन सप्लाई। ठीक है तो यार कुछ नहीं, मान लो ये मेन सप्लाई है, ऑप्शन ए होगा क्या? इससे एक 2 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, सर एक 4 सेंटीमीटर। हाँ जी हाँ जी, आइए देख लेते हैं, आपके फिर सामने ए करा होगा जाएगा क्या? मेन पे, हो सकता है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप 2 सेंटीमीटर इज, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी V2 है, हाँ या ना? अरे बताइए जनाब, बोलिए भाई। कुछ बोलोगे तो अब तुमको पता होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ से तुमने एक चीज देखा होगा, एक चीज बड़ी नोट अच्छे से नोटिस करा होगा। देखो इसका एरिया जरा निकालना, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया क्या होगा? अगर इसका एरिया मान लो इसका डायमीटर 1, इसका रेडियस 1 आएगा, इसका रेडियस क्या आएगा? 2 आएगा। अगर इसका मैं एरिया निकालू ना तो ये हो जाएगा ए बराबर पाई, और इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई। मतलब अगर इसका एरिया ए है ना तो इसका एरिया 4 ए होगा, हाँ है ना? बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो इसको तुम वेलोसिटी वी मान रहे हो ना, एरिया में वेलोसिटी वी है तो 4 ए एरिया में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ए एरिया में वेलोसिटी वी है तो 4 ए एरिया में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V/4। तो इसके वेलोसिटी का 4 गुना होगा, 4 टाइम द अदर पाइप ऑफ अदर वेलोसिटी, अदर पाइप ठीक है, 4 टाइम दैट अदर पाइप। दो वाले में एरिया कितना हो जाएगा? इसके वेलोसिटी का 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एरिया के कंपैरिजन इसका एरिया क्या है? 1/4 है जी इसका एरिया। अरे तुम्हें देखो यार नहीं समझ में आ रहा है भाई, गधेड़े हो यार गाइस, नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। हेलो 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 मेरे प्यारे सर मित्रों, हमारा फोन रिप्लाई कर गया, 1% ठीक है यार ठीक है ठीक है, स्वतंत्र हो अभी, तुम लोग को छोड़ देता हूँ। ये सवाल समझ में आ गया ना नहीं सबको? सर जा नहीं रहे, लगा दिया हाँ चार्जिंग पे। सर, बताइए ये सवाल समझ में आ गया? इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना किसी को? नो आई थिंक सर। दिक्कत नहीं हुआ होगा।
ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करें, एक सेशन और लगेगा, मतलब एक दिन और लगेगा फ्लूड में, फ्लूड खत्म फिर हम अपने आज ही उस पे आ खत्म जाएंगे। करना। हाँ जी खत्म, 1 बजे तक पढ़ोगी? बताओ कौन कौन 1 बजे तक पढ़ना चाह रहा है। हमें तो सर रात भर जगा दीजिए, आज जाग जाएंगे। अरे हाँ तुम्हें तो आदत है भाई। और भाई बुशरा नहीं सर बताओ, आदत नहीं है लेकिन आदत डालनी है सर, क्योंकि टाइम सर बहुत कम बचा बुशरा मत हुआ डालो भाई। सर बुशरा डायरेक्टर ऐसे भी दो बज रिजवान जाता है। अरुण यार, मतलब मुझे लगता था लड़कियां ही लड़के ही रात को वो कर बकवास करते हैं, सर पर यहाँ पढ़ने तो में, मतलब अच्छा पढ़ने में, फिर तो अच्छा है यार, वाह वाह सर गुड, वाह वाह। दैट्स गुड, वाओ सर तालियां बायोलॉजी होनी चाहिए। करते हैं ना रात में। अच्छा बायो करती हो, ओके चलो कोई नहीं, ठीक है तो अब तुम जाओ बायो करो, डायरेक्टर्स आप भी जाके बायो हम करिए, लोग भी और चले सर। शफीक, और शफीक तुम लोग अपना जाके मैथ करो, ठीक एंजॉय मैथ क्लियर करें। करते हैं, एंजॉय करो। हाँ गाइज, और उसके बाद से देखो कल हम लोग लेते हैं, और मैथ्स वाले सर हो सके तो कल से क्लास लेना सर स्टार्ट कर कल देंगे, दिन में लेंगे ठीक है? क्लास? अरुण हाँ दिन में अरुण लूंगा, बिल्कुल लूंगा। तो जो लोग नहीं प्राइम नहीं बैच के अरुण, बच्चे कोई हैं, अच्छी, हाँ हेलो, कोई अच्छी सी मूवी बता दो यार, तो टाइमिंग हमसे बता दो। मिलो अच्छा सर, किसकी? अरे वही 1:30 बजे, 1:30 बजे और एक रात को। और जो लोग प्राइम बैच के बच्चे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है कि मैथ्स वाले सर कल से क्लास कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सर। तो हाँ मैंने उनसे बात किया, बोला कि सर जल्दी से कवर करवाइए मैथ जितना ज़्यादा हो सके। क्या हुआ? सर आपकी देवी जी कहाँ है? कौन देवी जी? अच्छा कशिश चली गई हो, देवी जी चली गई? नहीं वो गई है ना आज, आज तो आने वाली भी नहीं थी, बस वैसे ही आ गई, कह रही थी सर मतलब वो कहीं गई हुई है बाहर, तो बोली थी कि सर मतलब हम अच्छा सर, मूवी देखिए कि क्लास आप ले रहे हो तो हम सोचे कि आ जाए, हम बोले ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।